नमस्कार, स्वागत है आपका एचएन लाइव वेब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन, स्पॉन्सर है हुड़दंग न्यूज। यूपी में भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रदेश की सभी सड़कों को पिछले साल 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया था। एक साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी योगी आदित्यनाथ सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान आज भी पूरा नहीं हो सका है। सड़कों पर आज भी गड्ढे ही गड्ढे हैं और इन सड़कों पर गड्ढों की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते हैं। गड्ढों की हालत यह है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। सबसे बड़ी परेशानी उन सड़कों पर हो रही है जहां आनन फानन में गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कें बनाई गई थी, जो कि अब खस्ता हाल हो चुकी हैं या ये कहें कि पूरी तरह से टूट चुकी हैं। अगर बात करें सोनभद्र के ओबरा की, तो यहां से रोजाना हजारों की संख्या में ओवरलोड ट्रक मुरूम और गिट्टी का परिवहन करते हैं। यहाँ खूब खनिज संपदा है, यहाँ से सरकार को अच्छा राजस्व मिलता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सोनभद्र आज यूपी सरकार के खजाने को भरने का काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से सोनभद्र पूरी तरह उपेक्षित कर रखा है। ओबरा की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। ओबरा का ये मार्ग मुख्य मार्ग चौपन में जोड़ती है, किंतु इस समय इस सड़क का हाल कुछ इस कदर बेहाल है कि लोगों का चलना दूभर हो गया है। रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं कि आए दिन बाइक सवार चोटिल होते रहते हैं। इन गड्ढों के समीप पैदल तो चलना नामुमकिन सा लगता है। इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों का आवागमन होता है। प्रतिदिन खदान से पत्थर और बोल्डर की ढुलाई की जाती है। इसके बावजूद सरकार और प्रशासनिक अमला कुंभकर्णी नींद में सोई है, जबकि अधिकतर अधिकारियों का आवागमन इसी मार्ग से ओबरा के लिए होता है। फिर भी इन अधिकारियों का कोई भी ध्यान इस सड़क पर नहीं है। जनता परेशान है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शायद आला अधिकारियों को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है।